हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 इंग्लिश मॉडल पेपर। हम लोग देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं, इंग्लिश का मॉडल पेपर है। एक नंबर क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर है, सिक्किम इज इन द हार्ट ऑफ डैश हिमालयस। सिक्किम किसके गोद हिमालय की, तो यहाँ पर आप लोग ईस्टर्न भर लीजिएगा, ईस्टर्न। सिक्किम जो है पूर्वी हिमालय के गोद में है, ठीक है, तो यहाँ पर ईस्टर्न हिमालय भर लीजिएगा, ईस्टर्न, ई ए एस टी ई आर एन, ईस्टर्न यानी कि पूर्वी। दूसरा है लिटररी गैंगटोक मीन्स, देखिए गैंगटोक का अर्थ क्या होता है, ठीक है, तो इसे गैंगटोक का अर्थ होता है हाई हिल्स। हाई हिल्स मतलब ऊंचे पहाड़ी, ठीक है, ऊंचे पहाड़ी। वहाँ पर कंचनजंगा है, इसलिए देखिए वहाँ वहाँ उस गैंगटोक का जो अर्थ होता है वह होता है ऊंचे पहाड़ी, तो यहाँ पर आप लोग भर लीजिएगा हाई हिल्स। थ्री नंबर क्वेश्चन है द मिनरल्स डैश इन द सिक्किम आर कॉपर, कॉपर डोलोमाइट इट सी। वहाँ की जो खनिजे हैं वह कॉपर डोलोमाइट, तो देखिए यहाँ पर तीन में यहाँ पर जो है आप लोग इसका जो है भरेंगे यहाँ पर माइनेट, ठीक है, द मिनरल्स माइनेट, वहाँ पर जो खनिज मिलता है ना माइनेट, ठीक है, वहाँ पर जो खनिज मिलता है वह है सिक्किम का। सिक्किम में कॉपर मिलता है, डोलोमाइट मिलता है, तो यहाँ पर भर लीजिएगा क्या माइंड्स। चार में है गोपाल वाच ए डैश इन द राजास कोर्ट, जो इसमें भरिएगा आप लोग जेस्टर। गोपाल जो था वह अपने राजा का दरबार का क्या था, तो जेस्टर था, यानी कि मस्खरा था, ठीक है। आगे आप लोग देखिए गोपाल हैज ए डैश ड्रीम, यहाँ पर है गोपाल हैड ए डैश ड्रीम, इसमें आप भरिएगा लॉन्गर ड्रीम, गोपाल एक लंबा सपना देखा, तो लॉन्गर भर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, तो फ्रेंड्स आप लोगों का क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 है, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। यहाँ पर जो कथने दिए गए हैं इसे पढ़कर आप लोग को बताना है कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। एक में है गोपाल वाज ए ग्रेटफुल, गोपाल एक मूर्ख, महान मूर्ख था, तो ये फॉल्स हो जाएगा, वह मूर्ख नहीं था। 2 में है राजा फेल इन द पूल फिलेड विथ मिल्क, ये फॉल्स हो जाएगा। अब आप लोग कहिएगा वो तो मिल्क में ही गिरा था, अगर यहीं पर मिल्क ही रहता है यानी कि गाढ़ा दूध वाला तालाब में, तो हम सही कर देते। दूध से बना खीर जो था, खीर वाले तालाब में वह गिरा था, इसलिए यहाँ पर है दूध वाला तालाब में गिरा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 3 में द शेप ऑफ मून इज फिक्स्ड, ये भी गलत हो जाएगा, जो चांद का जो आकार होता है वह फिक्स नहीं होता है, वह कभी गोल होता है तो कभी आधा होता है, ठीक है। 4 में है द स्टार्स डू नॉट गिव लाइट, तारा जो होता है वह प्रकाश नहीं देता है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। द किंग वाज इंडीड रिच एंड पावरफुल, तो ये सही हो जाएगा, जो राजा जो थे वह अमीर और शक्तिशाली थे, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप लोगों का अच्छे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोग का, रीड द फ्लोइंग पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन। इस पैसेज को आप लोगों के एग्जाम में जरूर से जरूर पैसेज आता है, तो आप लोग पैसेज को हल करना सीख लीजिए, ठीक है। कह रहा है रीड द फ्लोइंग पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन, पेसेज को सावधानीपूर्वक पढ़कर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। द ट्रस्टी क्रो प्यासा कौवा, इस पे है यह पेसेज, तो समझिए इट वाज समर, गर्मी था, एक क्रो वाज वेरी ट्रस्टी, कौवा बहुत प्यासा था, ही फ्लू हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर, वह वाटर की तलाश में, वह पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। सडनली ही saw a पिक्चर, अचानक उसे एक घड़ा दिखा। देर वॉज ए लिटिल वाटर एट बॉटम ऑफ द पिक्चर, उस घड़ा में जो था नीचे से पानी था,
ठीक है, थोड़ा नीचे पूरा भरा हुआ नहीं था। द क्रो ट्राई टू ड्रिंक द वाटर बट कुड नॉट ड्रिंक इट, कौवा जो है पानी पीने की कोशिश की पर वह पी नहीं पाया। ही डेन ट्राइड टू ओवर टर्न द पिचर बट फेल इट अगेन, वह फिर से कोशिश करता और उस वह जो है पानी पीने में असफल हो जाता। ही saw सम पेबल्स नियर बाय, वह अपने नज़दीक में कुछ पेबल्स को देखा, यानी कि कुछ ईंटें कंकर जो होते हैं वो उसके छोटे छोटे टुकड़े को देखा। इट लास्ट द क्रो हिट अपॉन ए प्लान, इस अंततः कौवा ने एक प्लान बनाया। ही पिक्ड देम अप एंड ड्रॉप्ड वन बाय वन इन टू द पिचर, वह यह प्लान बनाया कि हम उसको उठा चुनेंगे चोच में लेकर उसमें पिचर में देंगे ताकि पानी ऊपर आए। ठीक है, द वाटर सुन रोज अप टू द ब्रिम द क्रो ड्रैंक वाटर टू इट्स हियर, पानी ऊपर आया और कौवा पिया और कौवा जो है पीकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस किया, उसको हृदय को शांति पहुंची। इन दिस वे ही क्वेश्चन्ड हिज थर्स्ट, ठीक है, एंड फ्लू अवे हैप्पीली, इसी रास्ते से वह पानी पिया और उड़ गया। अब आप लोगों का क्वेश्चन है यहाँ पर, पैसे आप लोग अच्छे पूर्वक समझ गए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन का जवाब दीजिए, एक में है हु वाज थर्स्टी, अगर आप लोग को आंसर आ रहा होगा तो आप लोग नीचे जवाब भी दे दीजिएगा, आंसर लिख दीजिएगा ताकि मैं समझ जाऊँगा कि आपको ये पेशेंस समझ में आ गया। ठीक है, हुआ ट्रस्टी यानी कि प्यासा कौन था, तो ये द ट्रस्टी करो इसके शीर्षक के ही पता चलता है कि प्यासा कौवा, यानी कि प्यासा जो था वह कौवा था। लिखेंगे एक करो वाज ट्रस्टी, प्यासा कौन था तो करो था यानी कि कौवा था। दूसरा है व्हाट वाज ही लुकिंग फॉर हेयर, कौवा इधर उधर क्या देखा। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर आप लोग लिखेंगे कौवा जो था वह इधर उधर जो था पानी इधर उधर क्या देख रहा था, तो पानी की तलाश में। लिखेंगे ही फ्लू हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर, वह इधर उधर पानी की तलाश में भटक रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री है व्हाट डिड द क्रो सॉ नियर यू, कह रहा है कौवा अपने पास में क्या देखा, तो कौवा जो था वह अपने पास में पीचर को देखा यानी कि घड़ा को देखा, घड़ा नहीं यहाँ पर सॉरी यहाँ पर हो जाएगा ही सॉ सम पेबल्स नियर बाय, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा पेबल्स यानी कि जो बालू कंकर के छोटे छोटे जो कण होते हैं उसे देखा। नियर बाय में क्या देखा, पेबल्स को देखा यानी कि कणों को देखा। यहाँ पर लिखेंगे व्हाट डिड द क्रो सॉ नियर यू, कौवा अपने पास क्या देखा, तो वह पेबल्स को देखा यानी कि छोटे छोटे बालों के कण को देखा। क्वेश्चन नंबर चार है व्हाट डिड द क्रो सडनली सी, कौवा अचानक से क्या देखा, जो लिखेंगे सडनली ही सॉ ए पिक्चर, वह अचानक एक घड़ा को देखा, अचानक क्या देखा था घड़ा को। तो आप लोग ये जरूर बताइएगा कमेंट में कि आप लोग को यह पैसेज कैसा लगा, फिर आगे वीडियो में आगे का भी पैसेज देखेंगे और आप लोग का देखिए आरो और आगे भी क्वेश्चन है आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर चार आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा क्योंकि यहाँ पे मॉडल सेट यानी कि एग्जाम में कैसा टाइप का क्वेश्चन आता है वो उससे रिलेटिव है। एक में हुआ सिक, बीमार कौन था, तो एंड्रयू वाज सिक, मैंने आपको बताया था टेस्ट बाय ए मिरेकल, इस अध्याय में मैंने आपको बताया था, अगर आप लोग उस चैप्टर को नहीं पढ़े हैं तो जाकर जरूर से पढ़ लीजिएगा, क्लास 8 इंग्लिश प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर टू है व्हाट डिड गोपाल लव डूइंग, गोपाल जो था वह किसे मतलब उस क्या करता था, जिसे राजा जो राजा का प्रिय होता था उसके साथ गोपाल क्या करता था, तो लिखेंगे आंसर में मेक एवरीवन अपीयर लाइक ए फूल, उस सभी को वह क्या करता था मूर्ख बना देता था, वह सभी की बेइज्जती कर देती थी। ठीक है, तीन नंबर क्वेश्चन है व्हाट वाज द किंग ड्रीम डिस्क्राइब, कह रहा है राजा का सपना क्या था उस पर आप वर्णन करें, डिस्क्राइब कीजिए यानी कि वर्णन कीजिए। आंसर में लिखेंगे द किंग सेड दैट लास्ट नाइट ही हैड ए स्ट्रेंज ड्रीम, राजा ने कहे कि हम रात, ठीक है रात में अंत जब रात अंत में जब आ जाता है ठीक है 1-2 बजे, तो हमने एक विचित्र सा सपना देखे, इन हिज ड्रीम मेरे सपने में गोपाल एंड ही
we are going for a walk. गोपाल और हम जो हैं एक लंबी यात्रा मतलब एक टहलने के लिए वॉक के लिए गए निकले. सडनली अचानक डेडिचेड टू ए पैलेस. वे दोनों एक स्थान पर पहुंचे. हैविंग टू पल्स वन पल्स वॉज फिलेड. पल्स नहीं पुल हो जाएगा ठीक है. POPWL पुल मतलब तालाब. Having to pull, one pool was filled with खीर and other with a smell dung. एक जो तालाब था वह खीर से बना खीर जो था खीर से भरा था और दूसरा जो तालाब था वह गोबर से भरा था. himself in the field in the खीर made out of rich milk. हम जो है वह खीर जो जो गाढ़े गुड़ दूध में बना था गाढ़े दूध में जो बना था खीर हम उसमें गिरे. और गोपाल जो था वह गोबर में गिर गया गोबर के तालाब में गिर गया. तो यही था क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों का. डिड द फूल अंडरस्टैंड द गेम. गिव रीजन फॉर योर आंसर. कह रहा है यहाँ पर जो वो मूर्ख जो था गरेरियर वह राजा के वह राजा की बातों को सही में समझ पाया. गिव रीजन अपने आंसर का कारण भी दे. तो लिखेंगे यस द फुल अंडरस्टूड द किंग. ही आंसर्ड वेल टू द क्वेश्चंस ऑफ द किंग. हिज आंसर वाज साइलेंट इन बॉडी लैंग्वेज. उसका जो आंसर है वह साइलेंट है किसमें तो उसकी शारीरिक उसकी मातृभाषा में ही उसका जो राजा का क्वेश्चन का जवाब है वह साइलेंट है. 5 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पर. व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट डॉक्टर आर्मस्ट्रांग. डॉक्टर आर्मस्ट्रांग के बारे में आपका क्या ख्याल है. तो आप लोग आंसर लिखेंगे डॉक्टर आर्मस्ट्रांग वाज ए काइंड एंड सिंपैथिक मैन. डॉक्टर आर्मस्ट्रांग थे वह एक दयालु और सहानुभूतिक आदमी थे. तो इसी प्रकार हमने एक मॉडल सेट को पूरे मॉडल सेट को हल कर लिए है इस वीडियो में. अगर आप लोग को ये मॉडल सेट कैसा लगा इंग्लिश का आप लोग नीचे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा. और अगर आप लोग को और भी मॉडल सेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा.